हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम बनाते हैं लड्डू। तो यहाँ मैंने सूजी और मलाई के लड्डू बनाए हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी चीनी, 2 कटोरी सूजी, 4-5 चम्मच हमने घी का यूज़ किया है, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मिल्क पाउडर लिया है, फ्रेश मलाई का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने नारियल लिया। नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया है। कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है। अब बारी आती है यहाँ पर घी डालने की। तो फ्रेंड्स, जो हमारी कढ़ाई है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे है। यहाँ पर हम घी डालेंगे, घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच घी का यूज़ किया है और थोड़ा सा घी हमने बचा के रख दिया है, उसको हम बीच में डालेंगे। घी डालने के बाद हमारी जो गैस की फ्लेम है उसको बिल्कुल सिम कर देना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, घी हमारा जो है वो मेल्ट होने लग गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे मैंने उनका यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए मैंने अखरोट डाला है और अब हम इसमें डालेंगे बादाम। तो यहाँ पे मैंने कुछ पीसेस बादाम के डाले हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनको हम रोस्ट करेंगे, हल्का सा इनको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे जो बादाम हैं और अखरोट है वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एक अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से वो सिजलिंग हो रही है उनमें। तो चलिए, मैंने अब इनको बर्तन में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारे आगे प्रोसेस को बढ़ाने की। तो देखिए, जो हमारा घी पैन में बच गया था, अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। गाइस, किशमिश को अलग से आप थोड़ा सा रोस्ट करिएगा, बिकॉज ये बहुत जल्दी फूल जाती है घी में डालने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी किशमिश है वो काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो घी बचा है उसमें मैंने सूजी डाली है। अब दोनों कटोरी इसमें सूजी डालेंगे। अपनी गैस को बिल्कुल सिम रखेंगे। प्लीज़ गाइस, इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, वरना जो आपकी सूजी है वो जल जाएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, घी पूरा अच्छी तरह सूजी में हमें मिक्स कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम गैस पे आप इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जो हमारी सूजी है उसका कच्चापन निकल जाएगा और ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगी। तो गाइस, हमें इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। ये देखिए, जो हमारी सूजी है वो अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें नारियल डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी नारियल का यूज़ किया है, वो उसमें डाल दिया है। इसको काफ़ी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सूजी में नारियल बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। आप धीरे धीरे ऐसे ही कढ़ाई में इसको चलाते रहिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नारियल है वो भी पकना स्टार्ट हो गया है। अब बारी आती है इसमें चीनी डालने की। तो चलिए, मैं यहाँ पर चीनी डालती हूँ। 2 कटोरी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, 2 कटोरी चीनी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, चीनी डालने के बाद जो हमारा पूरा ये मिक्सर है ये नीचे चिपकना शुरू हो जाता है, बट आप इसको रेगुलर ऐसे ही चलाते रहिएगा तो ये नहीं चिपकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालते हैं मिल्क पाउडर। जो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मिल्क पाउडर लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए, नारियल और जो हमारा मिल्क पाउडर मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश मलाई। गाइज, ये बाहर से कोई हम मलाई नहीं लेके आए थे, जो हमारे दूध के ऊपर मलाई आती है उसी को मैंने लेके रखा था। और ये देखिए, मैंने 1/2 कटोरी यहाँ पे दूध भी डाला है। दूध डालने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह हमारे लड्डू का जो पेस्ट है वो बिल्कुल बन के रेडी हो जाता है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स को रफली चॉप कर लिया था। अच्छे से आप इसमें मिक्स करिएगा। गाइस, ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आप 2 से 3 मिनट तक आप इसको पकाइएगा। ये देखिए इसमें कैसे सिजलिंग हो रही है। ये देखिए, जो हमारे लड्डू का पेस्ट है वो बन के रेडी हो गया है। आप रेगुलर इसको ऐसे ही 1-2 मिनट तक चलाइएगा। और चलाने के बाद गाइस, अब आप गैस बंद कर देना और उसके बाद इसको हम
उतार के एक साइड में रख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको उतार लिया है। अब इसको 20-30 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देंगे, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। आफ्टर 20-30 मिनट्स देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन लीजिएगा और एक साइड में अलग से एक बर्तन रख लीजिएगा जिसमें आप लड्डू बना के रखेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ। ऐसे ही आप छोटे छोटे पोर्शन तोड़ के आप लड्डू बनाइएगा और उसको एक अलग से बर्तन में रख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे जो लड्डू हैं वो बन के रेडी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए जो हमारे लड्डू हैं वो बन के रेडी हैं। बहुत अच्छे और टेस्टी लड्डू बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।